नहीं सकते और बाहर जाना भी सेफ नहीं है, तो क्यों ना हम राखियां घर में बनाएं, और वो भी उस मटेरियल से जो हमारे घर में अवेलेबल है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि राखियां घर में कैसे बनानी है। सो जैसा कि आप देख ही सकते हो, ये सुंदर सुंदर राखियां मैंने पहले से ही बना ली थी, तो अब मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई। तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, ये सब मैंने वूल की बनाई है, ये मैंने पर्ल्स की बनाई है, ये और ये मैंने सिल्क थ्रेड की, और ये मैंने कलावे की बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आप राखी देख रहे हो, ये मैंने ऊन लेकर इसका पॉम पॉम बना के फिर इस कलावे में मैंने ये बीच डाले, और फिर बीच में हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट करके इसमें मीडियम साइज का बीच में ये बीड लगा दिया, एंड राखी इज रेडी। आप ये देख रहे होगे ये मैंने इतनी सुंदर राखी कैसे बनाई, ये भी बहुत इजी है बनाना। तो उसके लिए आपको ये राउंड शेप का कटा हुआ एक कार्डबोर्ड चाहिए, यू कैन आल्सो यूज एनी पेपर। फिर इसमें आप ग्लू लगा के फिर आपको वूल को पेस्ट करना है गोल गोल। आप कोई सा भी शेप बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, बट स्क्वायर इज अ क्वाइट डिफिकल्ट, इसलिए आप राउंड बना लेना। तो ये देखो, ये मैंने राउंड बना के तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो इस पे फिर ये हम पीछे से ग्लू गन से इसको कलावा इसके पेस्ट करके फिर हम इसके ऊपर बिंदी से मैंने डेकोरेट कर लिया है। अब आप सोचोगे ये मेरी राखी मल्टी कलर कैसे है। तो फर्स्ट मैंने 3 कलर के वूल ले लिए, फिर उनकी मैंने ब्रेड गूंथ दी, एंड फिर मैंने फेविकोल की हेल्प से लपेटा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मैंने बिंदियां डेकोरेट करी हैं। तो ये ग्रीन बिंदी पहले मैंने लगाई, इसके ऊपर येलो बिंदी, एंड इसके ऊपर ब्लू। अगर आपके इस घर में छोटे छोटे साइज की बिंदियां ना हो तो आप उसको कट करके भी लगा सकते हो। अब हम आते हैं हमारी ये मोतियों वाली में। सो ये बहुत इजी है बनाना। फर्स्ट मैंने एक कलावे में ये बीड्स पिरो लिए, फिर उसके बाद ये फूल मैंने एक पेपर में हॉट ग्लू गन की हेल्प से ऐसे बीड्स का फ्लावर बना के इस पे पीछे कलावे की हेल्प से पेस्ट कर दिया। और अब हम आते हैं हमारी सबसे ब्यूटीफुल राखी पे। ये दो सिल्क की राखीज हैं, एंड दिस वन इज माय फेवरेट वंस। तो अब मैं आपको बताऊंगी ये सिल्क की राखियां कैसे बनानी है। फॉर मेकिंग दिस राखी आपको पहले एक कार्डबोर्ड चाहिए, फिर उसमें ये जो सिल्क थ्रेड्स होते हैं ना, वो आपको ऐसे करके ना लपेट लेना है, फिर उसका ऐसे करके एक पॉम पॉम बना लेना है। और यू कैन ऑल्सो मेक एनी बो ऑल्सो। फिर पॉम पॉम बनाने के बाद आप इसके ऊपर कोई बीट चिपका लेना, एंड देन कलावे में आप मोतिया पिरो के फिर बीच में आप हॉट ग्लू गन की हेल्प से कलावे में इसको पेस्ट कर देना, एंड द ब्यूटिफुल सिल्क राखी इज रेडी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ब्यूटिफुल कलावा राखी। कलावा तो सभी के घर में अवेलेबल होता है, तो ये ब्यूटिफुल भी है और इजी भी है बनाना। तो उसके लिए हमें कलावे को लपेट के फिर उसका पॉम पॉम कट कर लेना है, एंड देन उसको ब्रश करके थोड़ा सा, ये मैंने एक बिंदीज मिलती है स्टेशनरी की शॉप में वो लगा दिए बीच में, और फिर कलावे को मैंने ऐसे ऐसे गोल, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो कलावा है इसको मैंने ऐसे ऐसे कर करके ना गोल घुमा लिया, फिर उसके बाद ना मैंने ऐसे करा तो ये ना इस डिजाइनर शेप की आ गई, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आप अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पे राखी बना सकते हो, और आपका भाई वो राखी पहन के आपके ऊपर प्राउड फील करेगा और आप भी बहुत खुश हो जाओगे। एंड गाइस, आप ये राखी प्लीज 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 ट्राई करना, ये राखी बाजार से भी ज्यादा सुंदर है, आपका भाई इसको पहन के बहुत खुश होगा। सो हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय। पर गाइस एक बात मत भूलना, प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।